रुक करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह आज 12 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन के समय सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम यानी ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। तो एमएलसी प्रत्याशी आज 12 बजे नामांकन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जहां नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आज एमएलसी प्रत्याशी जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की दो सीटें खाली हुई थी। एक तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए थे। दूसरा बनवारी लाल का निधन हो गया था। दो सीटें खाली हुई थी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में अभी तक हालांकि चर्चाएं चल रही थी कि किसको टिकट दिया जाए, किसको मैदान में उतारा जाए। दो नाम प्रस्तावित हुए हैं जिसमें अगर खास करें कि पद्मसेन चौधरी की, पद्मसेन चौधरी पार्टी के पुराने नेता हैं। अभी 2022 में भिनका से विधानसभा से चुनाव लड़ा था, हालांकि उसमें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से उनको मौका दिया है कि एक बार फिर से विधान परिषद उनको भेजा जाए। और लगातार तैयारी, आप कुछ तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से पार्टी कार्यालय में यहां पर ढोल उला चुका है, तमाम पदाधिकारियों की भीड़। दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे, तमाम पदाधिकारियों की भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती उत्सव से करती है। भारतीय जनता पार्टी नामांकन भी कर रही है तो उत्सव के साथ। एसएन सिंह जी, आज दो प्रत्याशियों का नामांकन है, पूरा उत्सव से आप लोग बना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, अच्छी बात है। देखिए, नामांकन भी एक उत्सव है, लोकतंत्र अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जब अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है तो उत्साहित होकर हमारे सभी बड़े पदाधिकारी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब, सभी लोग आते हैं, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। चूंकि हम जो है जनता के बीच में रहते हैं, आप देखे होंगे इसके पहले भी जो चुनाव था, हमारे मुख्यमंत्री जी तमाम बड़ी रैलियां किए, 55 रैली किए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी किए, तमाम जो डिप्टी सीएम दो प्रत्याशी हैं आपके, एक अति पिछड़ी जाति से हैं, एक लोग पुराने नेता पार्टी के हैं, तो क्या जातिगत समीकरण भी यहां पर फिट किया गया है 2024 को देखते हुए? देखिए, सबसे बड़ा आधार योग्यता होता है, योग्यता से बड़ा आधार कोई नहीं होता है। और समाज में आप हैं तो सभी समीकरणों को साधना होता है, और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर सभी समीकरणों को नहीं साधती है, MY फैक्टर पे केवल काम करती है, तो परिणाम ऐसे ही आएंगे जैसे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो सबसे सुंदर नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और उसी विकास और विश्वास के नाते आप देखे होंगे 2014, 2017, 2019, 2022 और अभी जो चुनाव नगर निकाय का हुआ है उसमें बहुत अच्छे सार्थक परिणाम आए हैं। कई विरोधी कहते थे कूड़ा वाला चुनाव है, छोटा चुनाव है, तो छोटे बड़े का जो भेद करते हैं निश्चित तौर पे जनता उनको दंड देती है। और जो जनता के बीच में जाते हैं, अनुशासन तरीके से जनता से सिर नवाते हैं, वो आशीर्वाद पाते हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी बैठक शुरू होने जा रही, तैयारी से आएंगे, किस तरीके से उनको देखेंगे आप? नहीं, देखिए, कई लोग किसी खास दिन पे बैठक करते हैं और तैयारी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैठक करती है। हमारे जो देवतुल कार्यकर्तागण हैं, जो क्षेत्रीय पदाधिकारीगण हैं, जो हमारे सांसदगण, विधायकगण, जितने प्रदेश स्तर के मंत्रीगण हैं और जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले केंद्र में भी मंत्री हैं, वो 24 घंटे प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को समझते हैं। और कुछ लोग अंतिम समय में लोकतंत्र पर सवाल उठाने, EVM पर सवाल उठाने, बवाल मचाने आते हैं, तो दोनों में अंतर है। प्रदेश की जनता जानती है कि सवाल और बवाल के साथ खड़ा रहना है या राष्ट्रवाद विकास के साथ खड़ा रहना है, तो प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद और विकासवाद के साथ खड़ी है। शुक्रिया। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर आरोप भी लगाया कि अंतिम समय पर बैठक शुरू होती है और EVM पर फिर सवाल उठाते हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से संदेश एक दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि समाजवादी पार्टी का हार का सबसे बड़ा कारण वोट होता है, वो अंतिम पायदान पे तैयारी चुनाव की शुरू होती है, लेकिन चुनावी के अंतिम दौर पर वो तैयारी शुरू करते हैं, बैठकों का दौरदारी करते हैं। अब यही वजह है कि समाजवादी पार्टी
2014 से अब तक के जितने भी चुनाव हैं उसमें बहुत कुछ कर नहीं पाई है जी। जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंच